दोस्तों 2000 रुपए के नोटों को लेकर अभी इस वक्त का एक और बड़ा फैसला सामने आ रहा है। दरअसल आपको बताऊंगा, जब से 2000 रुपए के नोटों को बंद किया ना, इनका मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक भी पहुंच चुका था। क्यों? इसके पीछे वजह ये थी कि भारतीय स्टेट बैंक SBI और पंजाब नेशनल बैंक PNB समेत देश भर के कई बैंकों ने ये बात कही थी कि बिना ID के भी, यानी किसी व्यक्ति को कोई बिना कोई ID प्रूफ दिखाने के बावजूद भी 2000 रुपए के नोटों को बदलवाने की इजाजत होगी। बैंकों ने भी ये छूट दी थी, जो कि RBI यानी कि रिजर्व बैंक के आदेश के मुताबिक थी, राइट। लेकिन बैंकों के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में एक BJP नेता ने याचिका लगाई और कहा कि बिना आईडी कार्ड के नोट बदलने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट में मसला इस बात को लेकर बना कि देश में जो भी नागरिक 2000 रुपए के नोटों को बदलवाने के लिए जाए, बैंकों में चेंज करवाने के लिए जाए ना, तो उनसे आईडी प्रूफ पूछी जाए, जैसे उनका आधार कार्ड पैन कार्ड देखा जाए, उसके बावजूद ही उनके नोट बदले। तो ये याचिका जैसे ही दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई, इस मुद्दे को लेकर सुनवाई हो रही थी और इस पर फैसला आज 29 मई को आना था, समझ रहे हो ना। तो आखिरकार आज दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए 29 मई को फैसला सुना ही दिया और फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उस बीजेपी नेता की याचिका को ही खारिज कर दिया, जिसमें अपील की गई थी कि 2000 के नोट को बदलने के लिए आईडी देनी होगी। यानी कि अभी आपको कोई भी आईडी कार्ड, कोई भी आईडी प्रूफ नहीं दिखाना होगा, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है 2000 रुपए के नोटों को बदलवाने के लिए, समझ रहे हो ना। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को ही खारिज कर दिया और दिल्ली हाईकोर्ट ने तो ये कहा कि ये एक आर्थिक नीतिगत मामला है। अदालत के फैसले हैं कि आर्थिक नीतिगत मामलों में अदालत दखल नहीं देगी, ये कहते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है ना। तो उम्मीद है दोस्तों 2000 रुपए के नोटों को लेकर लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। क्या आपने भी बदलवा दिए या अभी भी रखे हैं, कमेंट करके बताइए मुझे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, RealS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।